यह संधि हिंदी व्याकरण में लिखा है, ठीक है, संधि लिखा है, संधि आप सर ना जल कर। देखो यहाँ ये बता रहा है कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो संधि शब्द का अर्थ होता है कि संधि किसी शब्द, ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है कि मेल, जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके मिलने के कारण ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला लिखे हैं इसमें से स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तीनों को उदाहरण देकर के इसको पूरा डिफिनेशन करना है। देखो तो क्या है स्वर संधि किसको कहेंगे, एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल, ठीक है, एक स्वर दूसरे स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। क्या बोला ये, स्वर संधि बोल रहा है एक स्वर का दूसरे स्वर से मिलने होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, कल ये बताए थे ना, कल दिए थे बनाने के लिए संधि विच्छेद, ये विद्या जोड़ अर्थी, ये क्या हो गया, विद्यार्थी। रवि जोड़ इंद्र, रवि क्या बनेगा, रविंद्र, ये क्या था, ये स्वर संधि का था, ठीक है। अब ये है व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि किसको कहेंगे, तो व्यंजन ध्वनि से पूरे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार परिवर्तन आता है, ठीक है, जो विकार परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो जैसे व्यंजन संधि में क्या बोल रहा है, दिक जोड़ अंबर, है ना। देखो इसमें व्यंजन संधि भी है और स्वर संधि दोनों है, देख लो ये हर सही किसमें आता है, स्वर संधि या व्यंजन संधि में, स्वर संधि में आता है। इसके बाद देख लो दोनों में आएगा, फिर अंबर वो आता है ना स्वर संधि में, दिक जोड़ अंबर ये क्या बन जाएगा, दिगंबर। अब यहाँ देखो सत जोड़ जन क्या बनेगा, सज्जन, ये व्यंजन संधि का था, ठीक है। अब देखो विसर्ग संधि किसको कहेंगे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे देखो नौ मो विसर्ग आया, देखो यहाँ पे विसर्ग है ना, ये किस में आएगा, स्वर संधि में आता है। नौ मो विसर्ग नम जोड़ ते क्या हो गया, नमस्ते। उसके बाद देखो मना जोड़ बल क्या बनेगा, मनो बल। इसी तरह से एग्जांपल आगे जब बनाने देंगे ना तो उसमें मिलेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा तो हो गया, ये तीनों संधि का भेद हो गया, संधि के कितने भेद हैं तो बता देगा, संधि के तीन भेद, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब देखो ये तो तीनों संधि का भेद हुआ, अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच। देखो क्या है, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि, वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है अयादि संधि। अब देखो ये जैसे कि संधि में तीन भेद था, इसको तीनों का अति किए थे, धारण किए थे। अब इसी तरह से है ये दीर्घ संधि, ये पांचों का जो है अलग तरीका से इसको डिफिनेशन करना है, पांचों का भेद करना है। उदाहरण देखें, देखो पहले दीर्घ संधि किसको कहेंगे, हरसु या दीर्घ, हरसु या दीर्घ, ओ हरसई हरसऊ से पूरे क्रम से हरसु या दीर्घ, ओ हरसई हरसऊ या आ जाए तो, ठीक है, दोनों मिलकर क्रम से दीर्घ, जैसे देख लो ये पे आ दीर्घ ही हरसऊ हो जाते हैं, ये क्या होता है, ये परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था, ओ हरसई और दुर्गहू, ये आकर के यहाँ पे दीर्घ में क्या बन जाता है, आ दीर्घ ही
और दुर्गा हु, ठीक है। जैसे देखो मत जोड़ अनुसार, ये क्या हो गया माता अनुसार। देखो इसमें परिवर्तन क्या हुआ, वो किसमें परिवर्तन हो गया, आकार में हुआ। यहाँ ये नहीं बोल रहा था कि आ जो है हर स, आ, ये ओ जो है आ में परिवर्तन होता है और हर सही दीर्घ में और हर सऊ दीर्घ में। यहाँ देखो मत जोड़ अनुसार है ना, देखो यहाँ पे मत आया फिर ओ किसमें परिवर्तन हो गया आकार में आ गया ना, तो मत जोड़ अनुसार क्या हो गया माता अनुसार। इसी तरह से आगे भी है इसमें एग्जांपल। अब देखो इसके बाद गुण संधि में देखो दूसरा, यदि ओ या आ, यदि ओ या आ के आगे आगे हर्ष ही या फिर दीर्घ ही या फिर हर्षा या फिर दुर्गा हो री या री आते हैं तो दोनों के मिलने के क्रम से ए औ और अर हो जाते हैं। जैसे महाजोड़ उत्सव क्या बनेगा, ये महोत्सव। अब जैसे याद देखो नर जोड़ इस क्या हो गया नरेश। इसी तरह से इसमें भी आ गया है, ठीक है। उसको देखो चेक करो।